उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को उपचार के लिए गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से उन्हें गाजियाबाद रेफर किया गया था। बुधवार की शाम उन्हें एयर एम्बुलेंस से लखनऊ से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट लाया गया, जहाँ से यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी ले जाया गया। लखनऊ के मॉल एवेन्यू में रह रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें बुखार आने पर उनकी कोरोना जांच हुई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संजय गांधी में उपचार के बाद उन्हें रेफर किया गया। बुधवार शाम करीब 6 बजे वह एयर एम्बुलेंस से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से एम्बुलेंस में उन्हें कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। कल्याण सिंह के आने से पूर्व ही यशोदा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उनके उपचार से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील डागर ने बताया कि कल्याण सिंह को कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल के डॉक्टर आर के मणि, डॉक्टर के पांडे, डॉक्टर अर्जुन खन्ना और डॉक्टर असित खन्ना समेत 10 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। शुरुआती जांच के बाद उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और डॉक्टरों ने जल्द ही उनके स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है। पीछे पीछे होते चले, पीछे पीछे होते चले, क्या करूँ। घूमो घूमो घूमो।